हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके पहले हमने इसकी फीचर्स की बात की थी, कैरेक्टरिस्टिक्स की। आज हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य कहता है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यवसाय के व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो अकाउंटिंग के जो उद्देश्य होते हैं ऑब्जेक्टिव को, पहला होता है कि टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। मतलब हुआ कि अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को रूल्स के अकॉर्डिंग एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड किया जाए, और ट्रांजैक्शंस का कंप्लीट रिकॉर्ड रखने से बिजनेस में एरर और फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी से बचा जा सकता है। इसलिए बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस पहले जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लेज़र में पोस्टिंग की जाती है। इस तरह बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो इसका पहला उद्देश्य यही रहता है कि अकाउंटिंग का, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। दूसरा है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब हुआ कि अकाउंटिंग का जो दूसरा उद्देश्य है ऑब्जेक्टिव, ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में एक बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ या फिर उसको कितना लॉस हुआ, इसका पता चल सके। और इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। इसमें बिजनेस के सभी आइटम रिकॉर्ड किए जाते हैं, चाहे वो परचेस से रिलेटेड हो, सेल्स से हो, रिलेटेड हो, एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो या फिर रेवेन्यू इनकम से। इन सभी ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, कितनी लाभ हानि हुई है, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। तीसरा उद्देश्य होता है टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का निर्धारण करना। इसका मतलब ये हुआ कि किसी बिजनेसमैन के लिए उससे बिजनेस का सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का पता लगा लेना ही काफ़ी नहीं होता, उसके बारे में बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो दूसरा ये होता है कि इसके लिए जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर लिए जाते हैं, तो उसके बाद एक स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसे बैलेंस शीट कहते हैं। इसमें एक साइड बैलेंस की एसेट्स, बिजनेस की एसेट्स और उसकी वैल्यू को शो करते हैं, और दूसरी तरफ लाइबिलिटी और उसकी कैपिटल को शो किया जाता है। और यह बैलेंस शीट उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन को शो करता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव फोर्थ की, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज एंड यूज, विभिन्न दलों और उपयोगकर्ताओं को जानकारी प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट इसका ये होता है कि अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ज़रूरत पड़ने पर हम अलग अलग पार्टीज़ या फिर यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जैसे ऑनर्स को, इन्वेस्टर्स को, बैंक्स को, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को। जैसे किसी भी ऑनर को अपने बिजनेस के लिए हमें क्या है, लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो वह लोन लेने क्या होगा, बैंक जाएगा। इसीलिए ये किसकी, बहुत सारी पार्टीज़ और यूज़र्स की ज़रूरत पड़ती है। इनकम और उसकी लाइबिलिटीज़ को चेक करेगा और वह लोन और इंटरेस्ट के साथ वापस रिटर्न कर पाएगा, नहीं तो इसे अकाउंटिंग के थ्रू इन सारी चीज़ों की जानकारी की जाती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या आता है, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स, मीन्स त्रुटियों धोखाधड़ी को रोकना, उनका पता लगाना। इसका मतलब हुआ जब ईयर के एंड में जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, तो उसे प्रिपेयर करने से हमें बिजनेस की एसेट्स के रिकॉर्ड का पता चलता है, तो उसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। एसेट्स अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एसेट्स को प्रॉपरली मेंटेन करना, उसे रिकॉर्ड करना, उसे प्रोटेक्ट करना अकाउंटिंग का क्या है, ये भी एक उद्देश्य है। नेक्स्ट उद्देश्य है टू प्रोटेक्ट बिजनेस एसेट्स, व्यावसायिक संपत्ति की रक्षा करना। इसका मतलब ये हुआ मीन्स बिजनेस एसेट्स का मतलब हुआ कि जब हम बिजनेस की अकॉर्डिंग करने के, एक ऑब्जेक्टिव भी होता है कि उसमें एरर और फ्रॉड्स का तो पता ही लगाना उद्देश्य होता है, ठीक है, पता चल सके और इजली रोका जा सके, क्योंकि गलतियों का होना ये क्या है, ह्यूमन नेचर है। तो प्रोटेक्ट बिजनेस एसेट्स का मतलब ये हुआ कि जब हम बैलेंस शीट के लास्ट में प्रिपेयर करते हैं, तो बिजनेस की एसेट्स का रिकॉर्ड का पता चलता है, कंट्रोल किया जाता है उसे कितनी एसेट्स, तो एसेट्स को प्रॉपरली मेंटेन रखना, उसे रिकॉर्ड रखना अकाउंटिंग का उद्देश्य होता है। तो आई होप यू, आप लोग को समझ में आएगा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के उद्देश्य क्या है। ओके, थैंक यू।